कौन है ये 106 साल के खास बुजुर्ग जिनको योगी ने किया फोन? योगी ने बुजुर्ग से फोन पर कौन सी की खास बात? अचानक ऐसा क्या हुआ योगी को 106 साल के बुजुर्ग को फोन मिलाना पड़ गया? उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय चर्चाओं में छाए हुए हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि योगी ने भुलई भाई के नाम से लोकप्रिय 106 वर्षीय नारायण से फोन पर बात की। अब इसी बात को लेकर लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं आखिरकार योगी ने इस खास बुजुर्ग से फोन पर क्या बात की। तो आपको यहाँ बता दें कि योगी ने भुलई भाई से फोन पर उनका हाल चाल जानने के लिए बात की। 106 साल के हो चुके भुलई भाई भाजपा के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। वो 70 सालों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जनसंघ के दिनों से राजनीति में। फोन कॉल के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को जीत की बधाई दी और कहा कि हम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आपको यानी योगी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। वहीं फोन कटने के बाद पूर्व विधायक श्री नारायण उर्फ भुलई भाई ने बताया कि मुख्यमंत्री उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे थे। आइए जानते हैं भुलई भाई के बारे में जुड़ी खास बातें। भुलई भाई जनसंघ में साल 1950 में विजयदशमी के दिन शामिल हुए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के साथ भी काम किया। भाजपा बनने के बाद भुलई भाई इसके कार्यकर्ता बन गए। भुलई भाई देवरिया के नौरंगिया से विधायक बने थे। दीनदयाल उपाध्याय से प्रभावित होकर राजनीति में उन्होंने कदम रखा था। जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी तब वो एमए कर रहे थे। बाद में वो एक शिक्षा अधिकारी बन गए। साल 1974 में भुलई भाई ने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद राजनीति में कदम रखा। चलते चलते आपको बताते चले कि 1977 में वो दूसरी बार विधायक चुने गए। भुलई भाई की पहचान उनका भगवा गमछा है। कोरोना की पहली लहर के दौरान पीएम मोदी ने भी उनसे बात की थी। दरअसल अप्रैल 2020 में कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी और आशीर्वाद मांगा था। पिछले साल अक्टूबर में गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा के पूर्व विधायकों को सम्मानित किया था, जिसमें भुलई भाई को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। राजनाथ सिंह ने भी पिछले साल विजयदशमी से पहले उनसे मुलाकात की थी। राजनाथ का उनसे 1977 से जुड़ाव, जब दोनों उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। बहरहाल जिस तरह से भुलई भाई ने योगी को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं।